दोस्तों, जगुआर बाघ और शेर के बाद धरती की तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली है, किंतु आकार के अनुपात में देखा जाए तो जगुआर को सभी बिल्लियों की तुलना में सबसे ताकतवर माना जा सकता है। जगुआर की बाइट फोर्स 1500 PSI होती है। ये बाइट फोर्स शेर की तुलना में दो गुना से भी अधिक है। ये खूबसूरत जानवर प्राकृतिक रूप से केवल साउथ अमेरिका महाद्वीप पर ही पाया जाता है। 100 किलो से अधिक भारी हो जाने वाले जगुआर किसी तेंदुए के समान दिखाई पड़ते हैं, किंतु ये गति, आकार और बलिष्ठता के मामले में तेंदुए की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हैं। जगुआर को अपने शिकार को बेहद ही बेरहमी से मारने के लिए जाना जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में जगुआर द्वारा किए गए सबसे शानदार हमलों की ही चर्चा करते हैं। जगुआर विरुद्ध मगरमच्छ। दोस्तों, जगुआर धरती का इकलौता ऐसा जीव है जिससे मगरमच्छ भी डरते हैं। साउथ अमेरिका में काइमैन नामक रेप्टाइल की प्रजाति पाई जाती है। हालांकि जानकार इस रेप्टाइल को मगरमच्छ की बजाय एलिगेटर के अधिक करीब मानते हैं। सामान्य मगरमच्छ और एलिगेटर की तुलना में काइमैन छोटे होते हैं। इनका अधिकतम वजन 300 किलो तक ही हो पाता है। काइमैन अमेजोन की नदियों में राज करते हैं, किंतु किसी जगुआर को देखते ही ये तुरंत भाग खड़े होते हैं। इस वीडियो में देखें यहाँ नदी के बीच में स्थित टीले पर आराम करते काइमैन की ओर घात लगाए हुए जगुआर बढ़ रहा है। सही दूरी पर आकर जगुआर तेजी से झपटता है तो बेचारा काइमैन भागने की कोशिश करता है, किंतु अब तक देर हो चुकी थी। काइमैन जगुआर के मजबूत जबड़ों में जकड़ा गया। उसके बाद जगुआर इस काइमैन को पानी के रास्ते ही घसीट ले जाता है। किसी जगुआर का जबड़ा शिकंजे के समान होता है। ये जबड़ा इतना मजबूत है कि आसानी से किसी भी जानवर की हड्डियां तक तोड़ सकता है। और जरूरी नहीं है कि एक जगुआर सिर्फ पानी से बाहर आराम करते मगरमच्छों पर ही हमला करते हैं। ये अक्सर पानी के भीतर से भी मगरमच्छ को खींच लाते हैं। इस दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जगुआर घात लगाकर पानी में एक शानदार छलांग मारता है और पानी के भीतर ही थोड़ा संघर्ष करते हुए मगरमच्छ की गर्दन को पकड़ लेता है। उसके बाद बड़ी ही आसानी से ये जगुआर मगरमच्छ को पानी से बाहर निकालते हुए भी देखा जा सकता है। जगुआर विरुद्ध एनाकोंडा। दोस्तों, एनाकोंडा को अमेजोन के जंगलों का राजा माना जाता है। इस वीडियो में आप एक जगुआर और एनाकोंडा के बीच होते संघर्ष को देख सकते हैं। एनाकोंडा जहां जगुआर के मुंह पर अपनी कुंडली लपेटकर जगुआर का दम घुटने का प्रयास कर रहा है, वहीं एनाकोंडा का शरीर जगुआर के मजबूत जबड़ों में भी दबा हुआ है। एक एनाकोंडा धरती का सबसे भारी सांप है, जो आमतौर पर 200 किलो से अधिक भारी हो जाता है। साथ ही इसकी पकड़ तो इतनी मजबूत होती है कि अपनी कुंडली में जकड़कर कोई एनाकोंडा किसी भी जानवर की हड्डियां तोड़ डालता है, किंतु यहां इस एनाकोंडा का मुकाबला एक जगुआर से है। जगुआर बड़ी ही आसानी से इस भारी एनाकोंडा को घसीटता हुआ ले जा रहा है और जल्द ही जगुआर के मजबूत जबड़े एनाकोंडा का काम तमाम कर डालते हैं। अजगर या एनाकोंडा जैसे भारी भरकम सांप को मार डालना वास्तव में एक मुश्किल कार्य है, क्योंकि इनका शरीर सर से लेकर पूंछ तक एक समान और काफी लंबा होता है, जिस वजह से हमलावर जीव ये नहीं समझ पाता कि हमला किस ओर से करना है। एक अन्य वीडियो में आप एक काले जगुआर को अजगर के साथ संघर्ष करते हुए देख सकते हैं। काले जगुआर काले तेंदुओं की ही भांति किसी जेनेटिक गड़बड़ी के चलते पैदा होते हैं और इन्हें पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ये अजगर दौड़कर पानी में घुस जाता है और पानी में किसी अजगर की ताकत जगुआर की तुलना में अधिक हो जाती है। वैसे जगुआर इस अजगर को खाना नहीं चाहता, किंतु इस जगुआर के साथ एक मादा और छोटे बच्चे भी हैं, जिस कारण ये नर जगुआर अपने इलाके में आए इस अजगर को अपने परिवार के लिए बड़ा खतरा मान रहा है। जगुआर इस अजगर को पानी से बाहर घसीट लाता है और जल्द ही इसका काम तमाम कर डालता है। जगुआर विरुद्ध कैपिबारा। दोस्तों, अमेजोन के घने जंगल विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का रहने का स्थान है और जगुआर जैसे कुशल शिकारी को यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं है। इन घने वर्षा वनों में कैपिबारा नामक ये जीव भी पाया जाता है। इसे आप एक बहुत बड़ा चूहा कह सकते हैं। कैपिबारा वजन के मामले में किसी जगुआर से थोड़ा ही हल्का होता है, किंतु क्षमताओं के मामले में ये जगुआर के सामने कहीं नहीं ठहरते और इनकी नज़र भी काफ़ी कमज़ोर होती है। इस वीडियो में देखे यहाँ घात बैठे इस जगुआर को ये कैपिबारा नहीं देख पाया। हालांकि ऐन मौके पर इसने दौड़कर अपने प्राण बचाने की कोशिशें की, किंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। जगुआर कैपिबारा की तुलना में दोगुनी रफ्तार हासिल कर लेता है, इसलिए ये जगुआर आसानी से कैपिबारा को पकड़कर उसका शिकार कर लेता है। कैपिबारा तैराकी के मामले में बेहद माहिर होते हैं। यहां तक कि ये आसानी से पानी में तैरते हुए
सो भी सकते हैं। पानी के भीतर इनकी गति किसी जैगवार से अधिक होती है, किंतु घात लगाकर आगे बढ़ते चतुर जैगवार पानी के अंदर से भी कैपिबारा का शिकार कर सकते हैं। इस वीडियो पर नज़र डालें, यहां आप पानी से बाहर एक जैगवार को घात लगाए हुए देख सकते हैं। कुछ देर बाद जैगवार एक शानदार छलांग लगाता है और पानी के भीतर घुस जाता है। काफ़ी देर तक समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। दरअसल एक जैगवार आसानी से 15 मिनटों तक पानी के भीतर सांस रोककर अपने लिए शिकार की तलाश कर सकता है। पानी के भीतर काफ़ी देर गुजारने के बाद जब यह जैगवार बाहर आता है तो पूरा मामला समझ में आ जाता है। असल में यह जैगवार पानी के अंदर उगी घास खा रहे एक कैपेबारा पर ही झपटा था और अब इस कैपेबारा को जैगवार द्वारा गर्दन से पकड़कर पानी से बाहर लाया जा रहा है। इन वीडियोज़ को देखकर आपको आभास हो गया होगा कि जैगवार एक शातिर और ताकतवर शिकारी है जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। किंतु अमेजोन के इन घने वर्षावनों में कुछ ऐसे विचित्र जीव भी छुपे बैठे हैं जिनका सामना करने से एक जैगवार भी डरता है। तो चलिए दो ऐसे ही जीवों के बारे में भी जान लेते हैं। जैगवार विरुद्ध जाइंट एंट ईटर। दोस्तों, जाइंट एंट ईटर एक भारी भरकम स्तनधारी चींटीखोर जीव है। सभी चींटीखोरों में इसका आकार सबसे बड़ा एवं विशाल होता है। ये जीव 40 किलो से भी अधिक भारी हो सकता है। इस जीव के पास बेहद ही मजबूत हथियार इसके पंजों के रूप में है। 4 इंच बड़े इस चींटीखोर के पंजे बहुत ही मजबूत होते हैं। इन पंजों से ये जीव मिनटों में पेड़ों और जमीन को खोद डालता है। ये पंजे इतने मजबूत हैं कि इनके दम पर जाइंट एंट ईटर किसी जैगवार से भी लड़ सकता है। इस वीडियो में देखें किसी कुत्ते के मुकाबले में ये विशालकाय चींटीखोर कितना भारी भरकम दिखाई दे रहा है। वास्तव में अपने मजबूत पंजों के एक ही वार से ये जीव इस कुत्ते को धराशायी कर सकता है। इस चींटीखोर को अनेकों बार जैगवार को हराते हुए भी फिल्माया जा चुका है। यह एक पुरानी वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि चींटीखोर और जैगवार के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा है। जैगवार कई बार हमला करके चींटीखोर को नीचे गिरा देता है, किंतु इस चींटीखोर के नुकीले पंजों के कारण जैगवार इसके गले पर पकड़ नहीं बना पा रहा है। करीब आधे घंटे तक चले संघर्ष में आखिरकार जैगवार चींटीखोर को छोड़कर भाग खड़ा होता है। जैगवार विरुद्ध जाइंट ओटर। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि जाइंट ओटर एक बहुत बड़े आकार का उदबिलाऊ है। एक अकेले जाइंट ओटर को जैगवार आसानी से मार सकता है, किंतु जाइंट ओटर समूह में रहने वाला प्राणी है और ये मिलजुल कर खतरों का सामना करते हैं एवं हमला करते हैं। एक साथ मिलकर अनेकों बार इस उदबिलाऊ को मगरमच्छों तक का शिकार करते हुए भी देखा गया है। ये उदबिलाऊ 25 से 30 किलो तक भारी हो जाने वाला प्राणी है और ये किस तरह से मिलकर एक जैगवार का सामना करते हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें। यहाँ नदी किनारे आराम करते एक उदबिलाऊ को जैगवार जकड़ लेता है। जैगवार के अचानक हमले से घबराकर एक बार तो इस उदबिलाऊ के साथी भाग खड़े होते हैं, किंतु कुछ ही क्षणों बाद वो अपने साथी उदबिलाऊ की मदद को दौड़ लगा देते हैं। एक साथ इतने सारे उदबिलाऊओं को अपनी ओर आता देख ये जैगवार मौके से भाग खड़ा होता है। असल में इन बड़े उदबिलाऊओं के समूह में बेहद ही अधिक एकता होती है और इनकी इसी एकता के दम पर इन वर्षावनों में जैगवार का नहीं बल्कि इन बड़े उदबिलाऊओं का राज चलता है। ये अनेकों बार बिना वजह ही जैगवार पर हमला करते और उसे भगाते हुए देखे गए हैं। दोस्तों, जीव जगत विभिन्न प्रकार के अनोखे जीवों से भरा हुआ है। जहाँ जीवों के संसार में एक और जैगवार जैसे शक्तिशाली जीव मौजूद हैं, वहीं कुछ जीवों ने खुद को एकजुट करके इतने शक्तिशाली जीव को खदेड़ने की कला भी सीख ली है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।